बांग्लादेश के हालात को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक मीटिंग में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री ने बताया बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में है सरकार। संसद भवन के बाहर इंडिया गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन। जीवन और हेल्थ बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाने का विरोध। जीएसटी वापस लेने की मांग। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर बार में भिड़े दो पक्ष। महिला ने दूसरे पक्ष पर लगाए अभद्रता के आरोप। दोनों पक्षों ने पुलिस को नहीं दी लिखित शिकायत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुए ने 3 शावकों को दिया जन्म। शावकों के साथ खेलते नजर आए ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना। अलग अलग इलाकों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आतंक। ढाका में बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास के घर पर आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने घर में लगाई आग। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से ही आते हैं लिटन दास। ढाका की सड़कों पर आज फिर उमड़ा जनसैलाब। बांग्लादेश के झंडे लेकर चौराहे पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। ड्रोन फुटेज में दिखी भारी भीड़। बांग्लादेश में हिंसा के बीच आतंकी जेल से फरार। प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन के 518 आतंकी जेल से भागे। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बांग्लादेश में बवाल के बीच मेघालय में बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सीमा पर 200 मीटर तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। एमपी बीजेपी संगठन की अहम बैठक। बी डी शर्मा समेत कई नेता हुए शामिल। आगामी संगठन के अभियानों को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैठक के बाद किया संबोधित। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर दिए निर्देश। 10 अगस्त को सरकार बड़ा कार्यक्रम करेगी। प्रदेश में 25,000 जगहों पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की मुलाकात। पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन से भी सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात। हाथियों की करंट से मौत पर बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त। वाइल्ड लाइफ नहीं बचाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 3 साल में करीब 21 हाथियों की हो चुकी है मौत। खंडवा के आदिवासी गांव बाराकुंड में फैला डायरिया। 1 की मौत। 80 लोग हुए बीमार। 5 की हालत गंभीर। कुएं के दूषित पानी पीने से बीमारी फैलने की आशंका। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप। मैहर के अमलिया में 3 दिन में डायरिया के 20 मरीज आए सामने। हैंडपंप के पानी को किया गया प्रतिबंधित। मैहर में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप। अमलिया में डायरिया का प्रकोप 3 दिन में सामने आए 20 मरीज। हैंडपंप के पानी से हो रहे हैं बीमार। अनूपपुर जिले में डायरिया का प्रकोप जारी है। 1 ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में कोरोना के 3 नए मरीज आए सामने। नीमच में 1 युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। निजी अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दमोह जिले में एलजेसीसी बैंक ने लोगों के साथ की करोड़ों की ठगी। एफजी के साथ वांट में निवेश का लालच देकर पैसे वसूलने का आरोप। मामला सामने आने के बाद बैंक मैनेजर हुआ फरार। दतिया में सिंधी समाज का विशेष पर्व ज्योति स्नान हुआ संपन्न। ज्योति स्नान महोत्सव में लघु भारत के हुए दर्शन। देश के कोने कोने से सिंधी समुदाय के भक्त और श्रद्धालु भी पहुंचे। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट क्षेत्र में एक घर में घुसा अजगर। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बाल बाल बची लोगों की जान। सुकमा में 2 नक्सली इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर किया सरेंडर। दोनों नक्सलियों पर था 4 लाख का इनाम। डिंडोरी में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। राघोपुर गांव में नर्मदा नदी के किनारे मिला ज्ञात महिला का शव। वाहन नहीं मिलने से पुलिस के जवान स्ट्रेचर पर शव को रखकर 1.5 किलोमीटर तक पैदल चले। चित्रकूट के मुखारविंद के पास श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में बस सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे सभी लोग।